संवाद लाइव। संवाद लाइव। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल संवाद लाइव पर। मेरी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, तुलसीदास नाम तो सुना ही होगा। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे, तो आइए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, तुलसीदास नाम तो सुना ही होगा इस YouTube सीरीज में। आइए आज पढ़ते हैं परशुराम लक्ष्मण संवाद। ये चौपाइयाँ और दोहे रामचरितमानस के बालकांड से ली गई हैं। यह प्रसंग सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव के धनुष के तोड़े जाने के ठीक बाद का है। शिव के धनुष के टूटने से इतना जबरदस्त धमाका हुआ कि उसे दूर कहीं बैठे परशुराम ने सुना। परशुराम भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, इसलिए उन्हें बहुत गुस्सा आया और वे तुरंत ही राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। क्रोधित परशुराम उस धनुष तोड़ने वाले अपराधी को दंड देने की मंशा से आए थे। यह प्रसंग वहां पर परशुराम और लक्ष्मण के बीच हुए संवाद के बारे में है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पद का एक बार वाचन करते हैं। नाथ संबुधनु भंजनिहारा, होए ही केव एक दास तुम्हारा। आयसु का कहिय किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। सेवको सो जो करे सेवकाई, अरिकरनी करी करी अलराई। इस पद का अर्थ इस प्रकार है दोस्तों, परशुराम को क्रोधित देखकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे नाथ, जिसने शिव का धनुष तोड़ा होगा वह आपका ही कोई सेवक होगा, इसलिए आप किस लिए आए हैं यह मुझे बताइए। इस पर क्रोधित होकर परशुराम कहते हैं कि सेवक तो वो होता है जो सेवा करे। इस धनुष तोड़ने वाले ने तो मेरे दुश्मन जैसा काम किया है और मुझे युद्ध करने के लिए ललकारा है। सुनु राम जे ही शिव धनु तोड़ा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिलगाई बिहाई समाजा, नत मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़िकाई, कबहु न आसी रीस किन्ही गोसाई। लेमृत पालक कालबस बोलत तो ही न सभा, धनु ही सम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार। वे फिर कहते हैं कि हे राम, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह वैसे ही मेरा दुश्मन है जैसे कि सहस्र बाहु हुआ करता था। अच्छा होगा कि वह व्यक्ति इस सभा में से अलग होकर खड़ा हो जाए, नहीं तो यहाँ बैठे सारे राजा मेरे हाथों मारे जाएंगे। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराने लगे और परशुराम का मजाक उड़ाते हुए बोले कि मैंने तो बचपन में खेल खेल में ऐसे बहुत से धनुष तोड़े थे, लेकिन तब तो किसी भी ऋषि मुनि को इस पर गुस्सा नहीं आया था। इस पर परशुराम जवाब देते हैं कि अरे राजकुमार, तुम अपना मुंह संभाल कर क्यों नहीं बोलते, लगता है तुम्हारे ऊपर काल सवार है। वह धनुष कोई मामूली धनुष नहीं था, बल्कि वह शिव का धनुष था जिसके बारे में सारा संसार जानता था। तो इस प्रकार दोस्तों, तुलसीदास नाम तो सुना ही होगा नामक YouTube सीरीज का आपने पहला भाग देखा, आपको जरूर पसंद आया होगा। मित्रों, तुलसीदास जी के पद संख्या 2 को हम अपनी आगामी वीडियो में पढ़ेंगे और उसकी प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। आशा है ये भाग विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद सिद्ध होंगे। आगामी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल संवाद लाइव को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।